हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कंसीलर हैक्स। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैक्स हैं, प्लीज़ आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन हैक्स से आपको मेकअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो कैंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए देखते हैं। Every single day I'm gonna make something great, that's my way. Every single day I'm gonna make something great, that's my way. तो गाइस, मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैक का कंसीलर, जो कि मेरा करंट फेवरेट है। आपके पास जो भी कंसीलर हो उसे आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप आई शेडो लगाते हैं तो कभी भी आप आई शेडो को डायरेक्ट अपनी आईलिड पर अप्लाई मत कीजिए, इससे आपका आई शेडो का जो कलर है वो अच्छे से नहीं उभर कर आता है। मैं यहाँ पर एक स्मॉल और फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईलिड पर कंसीलर लगा कर दिखा रही हूँ गाइस। तो ये देखिए, मैंने कंसीलर को अच्छे से अपनी आईलिड पर स्प्रेड कर लिया है, अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी मैं। और हमेशा कंसीलर को कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर की हेल्प से सेट करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपके आई शेडो पर क्रीज बनने लगती हैं, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। तो इसीलिए आप कंसीलर ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप आई शेडो को अप्लाई कीजिए। इससे एक बहुत अच्छा कलर आएगा आपके आई शेडो को और आप आई शेडो को ईजिली ब्लेंड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से कंसीलर को सेट कर लिया है और अब मैं इसके बाद आई शेडो को अपनी आईज पर आपको ब्लेंड कर दिखाती हूँ कि कितना ईजिली ब्लेंड हो जाता है आई शेडो आपकी आईलिड पर जब आप कंसीलर लगाते हैं। और बहुत ही अच्छा एक लुक आता है और बहुत ही अच्छा एक कलर आता है आपकी आई शेडो का। और अब मैं आपको अपनी दूसरी आईलिड पर भी ये आई शेडो लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी आईलिड पर अपने कंसीलर नहीं लगाया है। डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं कि एक आईज पर आई शेडो कितने ईजिली ब्लेंड हो गया और बहुत ही अच्छा एक कलर आया है, और दूसरी आईलिड पर आप देख सकते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट जो मेरी हैक्स है वो ये है कि जब भी आप शिमर आई शेडो को अप्लाई करते हैं गाइस, तब भी आप कंसीलर को लगा लीजिए अपनी आईलिड पर अच्छे से, तो आपके जो शिमर्स हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाएंगे आपकी आईज पर, फॉल आउट नहीं होगा। जब आप आई शेडो से पहले कंसीलर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर आता है शिमर आई शेडो का, और बहुत ही नाइसली ये स्टिक भी हो जाते हैं आपकी आईज पर। और अब मैं ये शिमर आई शेडो अपनी आईज पर आपको लगा कर दिखाती हूँ, तो इससे भी आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा कलर आता है ये देखिए, और कितना नाइसली ये लग जाते हैं, ईजिली ब्लेंड भी हो जाते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको कैमरा यहाँ पर जूम कर दिखा रही हूँ ताकि आप डिफरेंस खुद अच्छी तरह से देख पाएँ। और नेक्स्ट जो मेरी हैक है वो ये है कि जब भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है या आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तब आप कंसीलर को अप्लाई कर लीजिए। ट्रायंगल शेप में आप कंसीलर लगाइए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे बहुत ही नाइसली लग जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है कंसीलर लगा हुआ, और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ट्रायंगल शेप में कंसीलर को लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैप डैप करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। और गाइस, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपने कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना है। तो ये देखिए, इसकी हेल्प से आपके जो डार्क सर्कल हैं अच्छे से हाइड हो गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी हैक्स है वो ये है कि जब भी आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो जाए, ये देखिए मेरे फेस पर बहुत ही लाइट से डार्क स्पॉट है, छोटू छोटू से, तो मैं इसे भी कंसीलर की हेल्प से हाइड कर लूँगी। ये देखिए, आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी डैब डैब करते हुए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे डार्क स्पॉट जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। तो ये हैक्स भी काम करेगा 101%। नेक्स्ट जो मेरी हैक्स है वो ये है कि जब भी आपको अपनी आईब्रोज को डिफाइन करना हो या आपकी हुडिड आईज हैं आपको बड़ा दिखाना हो, तो आप कंसीलर को इस तरीके से लगा सकते हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। ये देखिए, एक स्मॉल फ्लैट ब्रश ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप इस तरीके से आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं। हल्का हल्का कंसीलर लगा लीजिए, ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से आपने कंसीलर लगाना है। ये देखिए, तो इस टेक्निक से भी आप अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही नाइसली, और बहुत ही मतलब तराशी हुई लगती हैं आपकी आईब्रोज, बहुत खूबसूरत लगती हैं। जिनकी हुडिड आईज है यानी कि जिनकी छोटी आँखें हैं, वो भी अपनी आँखों को बड़ा कर दिखा सकते हैं इस टेक्निक से। तो ये देखिए, तो यह हैक भी बहुत ही अच्छा है गाइस, इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट जो मेरी हैक है वो ये है कि जब भी आपके नाक के आसपास कालापन हो, तो उसे भी आप कंसीलर की हेल्प से कवर कर सकते हैं कुछ इस तरह। ये देखिए, मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से ही लगा कर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। और जो भी आपके नोज़ के आसपास जो लाइन्स होती हैं वो भी थोड़ी छिप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं, ये देखिए। तो ये भी बहुत ही कमाल का हैक है,
और एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब भी आप अगर इस तरह से अपनी चीज़ों को कवर कर रहे हैं डार्क स्पॉट को, तो आप फाउंडेशन से पहले कंसीलर को लगाएं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो मेरी हैक है वो ये है कि अगर आप ग्लिटर आई शेडो अपनी आईज़ पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो इतना अच्छा कलर नहीं आता है आई शेडो, मतलब ग्लिटर्स जो हैं वो इतना नाइसली नहीं दिखते हैं। बट अगर आप कंसीलर लगा लेते हैं, देखिए जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, तो अगर आप कंसीलर लगाकर ग्लिटर को अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक लुक आता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ग्लिटर्स आपकी आईज़ पर लगे हुए कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई कर दिखाती हूँ आपको, एक्चुअल कलर भी मिल जाता है आपको आई शेडो का। ये देखिए ग्लिटर्स कितने अच्छे लग रहे हैं अब आईज़ पर। मे भी हो सकता है आपको कैमरा में इतना क्लियरली मतलब नज़र ना आए, मैं आपको फिर भी थोड़ा जूम कर दिखा दूँगी तो आप शायद देख पाएँ। तो नेक्स्ट मेरा जो हैक है वो ये है कि अगर आप आई शेडो को यू नो आउटर वी पर अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, या आपका आई शेडो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, या कितना लगाएं आपको समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पर कंसीलर की हेल्प से एक छोटा सा ब्रश ले लीजिए और उसको कंसीलर की हेल्प से आप इस तरीके से अपनी आई लिड पर अच्छे से लगा लीजिए, जहाँ तक आपको आई शेडो लगाना है आउटर वी पर, यहाँ तक आप एक शेप दे दीजिए कंसीलर से, और इसके बाद आप अपने आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे सेट कर लेती हूँ कंसीलर को। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको आई शेडो लगाकर दिखा रही हूँ, इससे आउटर वी पर आपको बहुत ही अच्छी एक शेप मिल जाती है आई शेडो को लगाने के लिए। ये देखिए, तो ये हैक्स भी बहुत अच्छा है गाइस, इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखिए, इससे आपका आई शेडो एक्स्ट्रा बाहर भी नहीं निकलेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी हैक है वो ये है कि जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आपको लिपस्टिक का एक्चुअल कलर नहीं मिल पाता है, ये देखिए, और अच्छे से नहीं लग पाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जब हैंड स्वॉच करते हैं लिपस्टिक का तो कुछ और शेड होता है, लेकिन जब आप लिप्स पर अप्लाई करते हैं तो कुछ और शेड होता है। तो इसीलिए आपको अगर ओरिजिनल कलर चाहिए लिपस्टिक का, जो कि उसका कलर होता है, तो आप कंसीलर अपने लिप्स पर कुछ इस तरीके से लगा लीजिए डैब डैब करते हुए अपनी फिंगर्स की हेल्प के। उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा शेड आएगा आपकी लिपस्टिक का, जो कि उसका एक्चुअल शेड होगा। तो ये देखिए मैंने लिपस्टिक लगा ली है और अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक कलर आया लिपस्टिक का। नेक्स्ट जो मेरी हैक्स है वो ये है गाइस कि जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं, लिक्विड लिपस्टिक या बुलेट लिपस्टिक लगाते हैं, कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं, तो आपकी अक्सर लिपस्टिक ख़राब हो जाती है या बाहर निकल जाती है। तो उसे आप कैसे क्लीन कर सकते हैं? काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि जिन्हें पता ही नहीं होता इस हैक्स के बारे में, वो पूरी लिपस्टिक हमें रिमूव करनी पड़ती है, यू नो क्लीन करनी पड़ती है, तब हम दोबारा लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आपकी लिपस्टिक ख़राब होती है, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो ये देखिए मेरी लिपस्टिक यहाँ से थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो अब मैं इस लिपस्टिक पर क्या लगाने वाली हूँ, ये देखिए, आप एक स्मॉल ब्रश ले लीजिए और इस पर कंसीलर लगा लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पर एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं अपनी लिपस्टिक को क्लीन कर लूँगी, जो कि एक्स्ट्रा बाहर निकल गई थी, ये देखिए। तो ये भी गाइस बहुत ही अमेजिंग हैक्स है। नेक्स्ट जो मेरी हैक्स है वो ये है गाइस कि जब भी आप विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करते हैं अपनी आईज़ पर या काजल लगाते हैं, तो अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप उसे इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से और कंसीलर की हेल्प से आप उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ किया है तो वो थोड़ा सा मैसी हो गया है वहाँ पर, देखिए क्लीन नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर करने वाली हूँ कंसीलर की हेल्प से इसे क्लीन, और एक बहुत अच्छी शेप दे दूँगी मैं इसे, जिससे कि मेरा ये जो विंग्ड आईलाइनर है बहुत ही अच्छा लगेगा, ये देखिए। तो ये देखिए, जितना भी मेरा मैसी हुआ था, यू नो विंग्ड आईलाइनर जो मैंने ड्रॉ किया था ख़राब हो गया था, तो इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट जो मेरी हैक है गाइस वो ये है कि जब भी आप ब्लश लगाते हैं तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, कलर ही नहीं आ रहा है और कहीं पर ये अच्छे से लग गया है और कहीं पर ये नहीं लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो जब भी आपको ब्लश ऐसा लगता है कि अच्छे से नहीं लग रहा है या बहुत ज़्यादा लग गया है, कहीं पर ज़्यादा लगा है या कहीं पर कम लगा है, तो आप ब्लश को लगाने से पहले कंसीलर अप्लाई कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा रही हूँ इसे, और इसे अच्छे से डैप कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं इसे, ये देखिए। और पूरे फेस पर कंसीलर से मेकअप नहीं करना है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस जो भी आपके चेहरे में थोड़ी बहुत खामियां होती हैं उसे ये कवर करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ब्लश लगा रही हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर ज़्यादा लग गया है या कहीं पर कम लग गया है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैप डैप करते हुए, इसी ब्लश के ऊपर आपने कंसीलर को थोड़ा थोड़ा कर लगाना है, एकदम से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इससे आपका जो ब्लश है वो एक जैसा हो जाएगा, कहीं पर ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर आपको एक गाल पर ज़्यादा लग गया या एक गाल पर कम लगा है, इससे आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जब भी आप हाइलाइटर लगाएं, तो हाइलाइटर अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हैक मेरी इसी बारे में है। ये देखिए, आप कंसीलर की हेल्प से भी अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए, अपने फेस के जो भी आप एरियाज़ को हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। मैं अपने नोज़ एरिया पर लगा लिया है, ये देखिए, फोरहेड पे लगा लूँगी इसे। फेस के जिस भी भाग को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, इसकी कंसीलर की हेल्प से भी यानी कि कर सकते हैं। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे हल्के हाथों से डैप कर लूँगी। तो गाइज़, ये भी बहुत ही अच्छा हैक है, इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
तो गाइज़ ये थे मेरे आज कंसीलर हैक्स। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।